सक्सेस पाओ, तो इन्होंने वही सेम बातें बताई एज एन एक्टर. मुझे अच्छा लगा इनका एक्सपीरियंस. इन्होंने अपना स्ट्रगल भी बताया और बहुत कुछ. सहज के पापा ने मुझे बताया इस चैनल के बारे में. अंकल मजा आता था आपके यार. अंकल वो भी कैमरे में ना, मुझे ऐसा लगा मैं बूढ़ा हो गया. तो दिन की शुरुआत हमारे हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं एक इवेंट में जो कि YouTube से रिलेटेड है और हम लोग रेडी हैं. बस करुण जी के आने की वेट है और हम चल पड़ेंगे. तो अब हम आपको वहीं मिलेंगे उस इवेंट में. मैं आपको इतना ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो इवेंट है ये रोड माइक की तरफ से है. हम चल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर. हम लोग पहुंच चुके हैं द पार्क और बस अब एंट्री करेंगे अंदर और अंदर फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और इवेंट देखते हैं कैसा है. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और इवेंट बस स्टार्ट होने ही वाला है. तो यू कैन सी अस के हाउ एक्साइटेड वी आर. ये सब लोग, ये सहज बैठी है, ये अर्श बैठा है, करुण जी भी हैं, वो कहीं अभी उठ के गए हैं. तो बस इवेंट स्टार्ट होता है तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे होगा, उसके बाद पता चलेगा. अभी तो चाइनीज टाइप लगवा गया. मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने का. उम्मीद है कि आगे और भी आते रहेंगे और हम लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे. लेकिन आज देखते हैं इवेंट में क्या स्पेशल रहता है. एक्साइटमेंट तो आपको जैसे मैंने पहले बोला हमारे फेस से आपको दिख ही रही होगी. A very warm welcome to all of you. Thank you so much for being here. So before I start, I've already started though, but just to ask, for how many people this would be the first event after COVID? Wow. MashaAllah, कुछ लोग तो बहुत party कर रहे हैं यार. आप भी करो. But nonetheless, so that's nice. I mean this. It stands true for Delhiites that you know what we've been through, जो हमने देखा पिछले दो साल में, and if we are here, we are well. I think we all need to give a very big round of applause to each one of us because we truly have stood out as the winners, right? मैं लिखता हूँ. मैं फोटोग्राफी पहले पैशन से शुरू की थी मैंने. फिर मैंने उसको अपने प्रोफेशनल करियर में जोड़ दिया. अब मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया, वहाँ मुझे कैमरामैन नहीं मिला, मैंने खुद कर लिया. और एक्टर्स जो होते हैं हम लोग बड़े संवेदनशील होते हैं. हम लोग जितने कलाकार हैं, आप लोग जितने हैं, कुछ राइटर होंगे, कुछ कैमरामैन होंगे, यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो व्लॉगिंग करते हैं, ये हम जितने लोग बैठे हैं हम लोग बड़े संवेदनशील लोग हैं. हम लोग इसलिए इंसान कहलाते हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एनिमल्स. एंड सबसे बढ़िया बात है यू आर ऑल ऑफ यू आर द वॉरियर्स, क्योंकि कोविड से बच के निकले भैया. पहली बात कोविड से बच के निकले हैं और इसमें से हर आदमी जो है एक एक साल अपने घर में बंद बैठा था. क्या हालत थी, मतलब दिल्ली के आपकी. जब मैंने माइग्रेंट्स वर्कर्स पे भी मैंने कुछ कोविड के समय मैंने काम किया था सर, आप देखिएगा. तो मेरे घर के सामने जो है वो पुलिस का एक मैदान होता था जहां पर हर रोज कम से कम 10,000 लोग जमा होते थे और हर आदमी के जहन में ये रहता था वो घर कैसे पहुंचे. तो सबसे पहले तो कोविड ने हमको ये दे दिया कि घर की वैल्यू पता चल गई भाई. और आप लोग अपने अपने घरों में रह के आप लोग इतने ज्यादा क्रिएटिविटी भी हमारी बढ़ी. सो द थिंग इज वी आर ऑल वॉरियर्स हियर. और अभी जो आप अपने होते हैं और आपकी पॉकेट में इतने कुछ पैसे होते नहीं कि वो सपने पूरे हो सके. अभी देखे मेरे को नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बचपन में बॉडी बनाने का बहुत शौक था.
तो जब मैं अच्छी इनकम हुई तो मैंने अपने जो सपना था वो पूरा करना शुरू किया, क्योंकि जब आप बॉडी बनाते हो तो आपको खुराक चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर खुराक चाहिए और उसको पैसा लगता है। और बचपन में वो जिम की फीस 150 रुपये होती थी, वो भी नहीं देने देते थे, वो रिश्तेदार सगन दे जाते थे, आते थे, उससे हम जिम के पैसे में देते थे। तो ऐसे सपने लेके ऐसी पॉकेट मनी से मैंने जिम का शौक था, जब बड़ा हो गया पैसे कमाने शुरू हुआ। थोड़ा सा स्टेज फियर हो रहा है, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर व्हाट आई एम डूइंग दिस थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट रोड एंड ट्राइमैक फॉर अरेंजिंग दिस एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आई सी बहुत लोग हैं यहाँ पे जो शायद मेरा जितना एक्सपीरियंस है आप लोगों का शायद उससे ज़्यादा भी हो। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, आई एम अ मतलब मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, फोटोग्राफी है, यूट्यूब है, education mein about photography, video making and all those things. So that's what I'm doing right now. It started back in 2010, mera 12th khatam hua. So YouTube photography se pehle main just social media ke point pe aunga. I just completed my 12th college mein, I think main tab gaya hi tha. And us time pe Facebook mein there was this contest, Happy Dent ka tha, jahan pe you have to submit your photo and agar select hota hai then you will be on the box of that Happy Dent jo box aaya tha. So luckily मेरा सेलेक्ट हुआ, आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी और फॉर लिमिटेड एडिशन माई फोटो वॉज ऑन द बॉक्स। सो वहाँ से आई एम जस्ट टेलिंग दिस थिंग बिकॉज मेरा सोशल मीडिया से या ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है तो सबको होगा कि घर पर कैसे मनाए कि ये हमें फुल टाइम करना है, करियर करना है। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे स्टार्टिंग में मिल गया था, जो घर से थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया टू गेट इन टू दिस सोशल मीडिया थिंग एंड ऑल। People will misunderstand hobby for passion. 10,000 like mila to suddenly five, especially papa mummy say, "Arey yaar, my son he takes fantastic pictures. Hai, kitna like mila? Whenever he takes our picture got more likes. So he must be a good photographer." So here we have director yes. ये एक एक्टर है, एक फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में इन्होंने काम करा हुआ है और बस अपने वर्ल्ड का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें इनके इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि थोड़ा आगे मतलब कि सक्सेस पाओ, तो इन्होंने वही सेम बातें बताई एज एन एक्टर। मुझे अच्छा लगा इनका एक्सपीरियंस, इन्होंने अपना स्ट्रगल भी बताया और बहुत कुछ एक्सप्लेन करा हमें, मुझे तो मज़ा आ गया। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? हर्ष। दोस्तों ये हमारा हमारे देश के भविष्य हैं हर्ष, इनका जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बच्चे जो है हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आज आप इन्हें यहाँ देख रहे हैं और कुछ सालों बाद आप इन्हें और ऊंचाइयों पे देखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू सर। सो ही इज़ एन यूट्यूबर एंड अ स्टोरी टेलर आल्सो। मज़ा आ गया इनके साथ आज, स्टोरी भी इन्होंने सिखाई। सर व्हाट्स योर चैनल नेम? माय चैनल इज कॉल्ड पिक्सल विलेज, वी टॉक अबाउट फोटोग्राफी, दैट्स व्हाट माय चैनल। एक्सपीरियंस मिला हमें आगे बढ़ने का। सो हमारे पास है अब फेमस यूट्यूबर भूखा सान। हम भी इनको देखते हैं, आप भी आ जाओ फ्रेम में, हम भी इन्हें देखते हैं डेली और अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से पूरी जो सिटी है, जो स्टेट है हमारी दिल्ली, उसको ये उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम भी फूड ब्लॉगर हैं और हम नॉर्मल डेली ब्लॉगर भी हैं, हमें इनका चैनल बहुत पसंद है। सहज के पापा ने मुझे बताया इस चैनल के बारे में। अंकल मजा आता था आपके यार, अंकल वो भी कैमरे पे ना, मुझे ऐसा लगा मैं बूढ़ा हो गया। भैया कह लो यार, भैया आपके हमें मजा आता है ब्लॉग्स देखने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग इतने होते हैं कि मतलब मन करता है कि बार बार वही वीडियो देखो। अच्छा जो मैं दिखाता हूँ वो खाने जाते हो कभी? हम पापा जाते हैं, मैं तो जा नहीं पाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस और ये सब, पर मजा आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। ओके सर, बाय। रिकॉग्नाइज कर लिया होगा आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। ये भूखा सांड जो बहुत ही फेमस फूड ब्लॉगर हैं, इनके साथ आज खड़े होने का मौका मिल रहा है हमें,
तो ये हमारा प्लेजर है कि हम इनके साथ खड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारा आपको पूरा सपोर्ट है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बड़े भाई साहब को सपोर्ट करें, ताकि जहाँ आज हम खड़े हैं कल ये यहाँ खड़े हो सके, और ये तभी पॉसिबल है अगर आप लोग इनको सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच। तफरी विद करुण मंजीत के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप मुझे प्यार करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, तो भाई के वीडियो को व्हाट्सएप कर दो, ताकि इनको ये वायरल हो जाए, लोगों का इनका सपोर्ट मिले और ये बहुत जल्दी ग्रो करें। थैंक यू मंजीत। अच्छा, पंजाबी है तो मैं मंजीत लग रहा था यार, उन्होंने मिले। Oh, you are doing it for 4 months. Yeah. Wonderful. Okay. So I basically do a family vlogging, and I have started a channel with him. Oh. For food vlogging and travel vlogging. Thank you, sir. Thank you. Absolutely. Yeah. So very nice meeting you. Absolutely. And, you have given a precious time, sir, to us. Really grateful. Absolutely. Friends, today I get to approach you to Mr. Radhakrishnan. It's a Pixel Village and it's very famous. So I think I'm a new blogger, so he can help to promote something our sites. So my channel name is Tafri with Karun and Manjeet. Oh, Karun and Manjeet. Tafri. Tafri, yeah. Tafri with words. Karun and Manjeet. Yes. Please my watch. Along with Buddies. Along with Buddies. I have not seen the channel, but from what I understood from him, it's about family. Definitely worth watching. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Really great meeting with you. Hey, thank you so best, much. Yeah. Thank you so much. तो आज हम जिस इवेंट से होके आए हैं, उस इवेंट में हम काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स से मिले, जो कि ऑलरेडी रिकग्नाइज हैं यूट्यूब पे, और सभी का एक ही मानना था कि अपने पैशन को परस्यू करें और उसे बनाए प्रोफेशन। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अपने पैशन को जाने कि आप करना क्या चाहते हैं। तो इसी थॉट के साथ और इसी बात के साथ आज का जो हमारा ब्लॉग है, हम उसको यहीं एंड करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन ध्यान रखें अपना, और लाइफ एक ही है, अच्छे से जिए और अपना पैशन हमेशा परस्यू करें। Live your life, live your passion. Take care.